की आज बात करते हैं। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? कोई आपने से रिप्लाई कर सकता है कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आ पा रही है आप लोगों को? ऑल राइट। हाँ जी अंकुर, हेलो इंद्रराजपूत, हेलो सचिन, हेलो। तो गुड इवनिंग, हेलो। मैंने सोचा बहुत टाइम से बात नहीं हो पाई आप लोगों से, मैं आ नहीं पाया यूट्यूब लाइव, और आज एक थोड़ा दुख का दिन भी है। जैसे कि आप लोगों ने शायद न्यूज़ में देखा ही होगा कि हमारे एक बॉलीवुड के सेलिब्रिटी ने सुसाइड किया है, ऐसा बोला जा रहा है। तो शायद बड़ा ज़रूरी हो चुका है हम सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना, डिप्रेशन के बारे में बात करना, एंग्जाइटी के बारे में बात करना। काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो कि इतना सक्सेसफुल है, शायद बहुत रिच भी होंगे, ऐसे लोग भी कैसे इस टाइप के कदम उठा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप सक्सेसफुल हैं, चाहे आप अनसक्सेसफुल हैं, जब जब इंसान के मन में डिप्रेशन की बीमारी आती है तो इंसान का मन एग्जैक्टली वैसे ही सोचता है। आपके पास कितना पैसा है और आप कितने सक्सेसफुल हैं, इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद बड़े लोग जो हैं, पैसे वाले लोग जो हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में क्या ही दिक्कत होगी, पर ऐसा नहीं है। इसलिए इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ की बातों पर ध्यान रखा जाए। मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ दिक्कत चल रही है, मान लीजिए फाइनेंशियल इशू है, मान लीजिए जॉब का इशू है, तो वो एक प्रेशर है, और उसके ऊपर जब उसकी वजह से डिप्रेशन डेवलप होता है और वो जो फीलिंग होती है सैडनेस की, एम्प्टीनेस की, लगता है लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, वो आपके ओरिजिनल इशू को मल्टीप्लाई कर देता है, कई मल्टीपल टाइम्स, 10 टाइम्स बढ़ा देता है। और उस स्टेट में आप जो फील करते हैं वो इतना पेनफुल होता है कि इंसान को लगता है कि इस पेन को झेलने से अच्छा तो ये ज़िंदगी ख़त्म कर दिया जाए। और ये बात चाहे आप अरबपति हैं तो भी आपके ऊपर लागू है, या चाहे आप कुछ भी नहीं करते हैं, एक छोटे से घर में रहते हैं तो भी आप पे लागू है। तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई नहीं बच सकता, इस सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पैसे वाला है, या क्योंकि वो अमीर है, या फिर क्योंकि वो सक्सेसफुल है। इनफैक्ट हमारे जैसे लोग, जैसे कि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मैंने डिप्रेशन के बारे में बहुत पढ़ रखा है, मुझे डिप्रेशन की सारी दवाइयों के बारे में पता है, बहुत नॉलेज है, और मुझे ही नहीं, जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं उनको काफ़ी नॉलेज होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। मेरे दिमाग में बात क्लियर है कि कल को मुझे किसी भी वजह से या बिना किसी वजह के अगर डिप्रेशन होता है तो भी मैं भी वही दो काम करूंगा जो मैं दुनिया को बोलता आता हूँ। मैं चुपचाप से दवाई खाना शुरू करूंगा और जाके एक थेरेपिस्ट से मिलूंगा, साइकोलॉजिस्ट से मिलूंगा, और अपने काउंसलिंग सेशन करवाऊंगा। और ये बात आपको भी याद रखनी पड़ेगी, अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी, कि सिर्फ ये सोचते रहना कि हम इतने कमजोर नहीं हैं, हम इतनी हार नहीं मान सकते, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन रियलिटी में जब प्रॉब्लम आती है तो एक ही चीज़ समझदारी भरी होती है, वो है ट्रीटमेंट लेना, दवाई खाना, थेरेपी कराना, आपको जो भी सूट करे, और बिना बात के स्ट्रांग बनने का प्रयास करने का नतीजा कई बार बहुत खराब हो सकता है। आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस भेज दिए, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ के कुछ रिप्लाई करने का क्वेश्चंस का। अगर देखो, मैं यहाँ पे नेचर नाम से किसी का प्रोफाइल है, यहाँ पे मैं मेडिकल स्टूडेंट से बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ नॉर्मल पॉपुलेशन से बात कर रहा हूँ। तो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है, प्लीज़। चलिए मैं ऊपर से क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करता हूँ, देखता हूँ मैं आपको कुछ जवाब दे पाता हूँ क्या। और अबू बकर बोल रहे हैं कि डॉक्टर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, काइंडली एक्सप्लेन हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अबू जी, हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें कि इंसान को लगता है कि उसको कोई सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है। जैसे हम लोग जो पेशेंट्स देखते हैं उनमें अक्सर उनको लगता है कि उनको कैंसर हो गया है, या फिर उनको कोई एड्स हो गया है। आजकल कोरोना वायरस को लेकर बहुत लोग परेशान हैं, और आप बार बार टेस्ट कराता है व्यक्ति, बार बार इन्वेस्टिगेशंस कराता है, वो सब नॉर्मल आती हैं, बट फिर भी उसका मन मानता नहीं है। एंग्जाइटी की लाइन पे ही इसको ट्रीट किया जाता है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस को। सौरभ गंगोला जी पूछ रहे हैं क्लिनिक पर कब से विजिट करना स्टार्ट होगा। सौरभ जी, अभी मुश्किल है, हमारा क्लिनिक जहाँ पे है वो कंटेनमेंट जोन में है, अपनी और अपने पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए, इसलिए हम सिर्फ अभी ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर रहे हैं। ऑलराइट। डॉक्टर शकूर बोल रहे हैं कि, डॉक्टर शकूर फ्रॉम पाकिस्तान, हेलो डॉक्टर शकूर। सचिन बोल रहे हैं, प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट स्किजोफ्रेनिया।
सचिन जी, स्किजोफ्रेनिया, पैरानोइड स्किजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है। जो सिम्टम्स आते हैं मेनली वो डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस के होते हैं। व्यक्ति को लगने लगता है, कुछ कुछ वहम होने लगते हैं, कुछ शक होने लगते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं, कुछ को लगता है कि लोग उसको मरवाना चाहते हैं, कुछ को लगता है कि दुनिया उसके अगेंस्ट कंस्पिरेसी कर रही है, पुलिस पीछे पड़ी हुई है, इस टाइप की चीज़ें। और हेलुसिनेशंस होते हैं, कानों में कुछ आवाज़ें आने लगती हैं आमतौर पर, और पेशेंट कई बार अपने आप से बोलने लगता है, लोगों को लगता है अपने आप से बोल रहा है लेकिन वो कुछ आवाज़ों को सुन के उनको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो ये होता है स्किजोफ्रेनिया में। ट्रीटमेंट में एंटीसाइकोटिक्स यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, आप में से कई लोग मुझसे नाराज़ होते हैं कि मैं बात तो करता हूँ, बीमारियों के बारे में बताता हूँ लेकिन दवाई का नाम नहीं लिखता। देखिए, दवाई का नाम मैं लिख भी नहीं सकता क्योंकि हर व्यक्ति को दूसरी दवाई सूट करती है। आपका एज क्या है, आपके सिम्टम क्या है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या है, उन सबके बेसिस पे दवाई लिखी जाती है, ना ही मैं। और यदि कोई दवाई बता भी दे ऑनलाइन तो ऐसे दवाई नहीं खानी है जब तक डॉक्टर से 1-to-1 बात ना हो जाए। ऑलराइट, देखिए आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझसे सुशांत सिंह के बारे में, मैं कुछ बोलूं। देखिए, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, शायद किसी को भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूं कि सुसाइड के केस में ऐसा पाया गया है कि लगभग 80% लोग जो कि सुसाइड कर रहे हैं उनको कोई ना कोई मानसिक तकलीफ रहती है, और आमतौर पर डिप्रेशन सबसे कॉमन पाया गया है। और कुछ कुछ मिथ हैं इस चीज़ को लेके। कई बार लोगों को लगता है कि अगर कोई सुसाइड के बारे में बात कर रहा है, कोई बोल रहा है कि वो मर जाएगा, वो जान दे देगा, वो सुसाइड कर लेगा, तो वो ऐसा करेगा नहीं क्योंकि जिसको करना होता है वो बोलता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टडीज पाई गई थी कि जो लोग सुसाइड करते हैं फाइनली, उनमें से मेजॉरिटी ने 24 घंटे पहले किसी ना किसी से सुसाइड के बारे में बात की होती है। तो एक बात का ध्यान रखिए, यदि कोई भी व्यक्ति सुसाइड के बारे में आपसे बोल रहा है तो उसको मजाक में नहीं उड़ाना है, उसको सीरियसली लेना है। कई बार हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए आपका कोई दोस्त आके बोलता है कि यार जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, लगता है खत्म कर दूं, और आपका जवाब आमतौर पर रहता है यार कैसी बातें कर रहा है, जिंदगी ये खूबसूरत है, ये वो बातें, और भूल जाए इन बातों को। आपके ऐसे बोल देने से सिर्फ एक चीज होगी, जिस व्यक्ति ने आपसे आपके सामने अपनी दिल की बात बोलनी शुरू की थी वो उस बात को फिर से बोलने में शर्माएगा या फिर झिझकेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि जब मैंने अपनी दिल की बात बोली तो सामने वाले ने तो उसको लाइटली ले लिया और अगली बार वो आपसे बोलेगा भी नहीं। अगर कोई भी इंसान इस बारे में आके बात करता है, सुसाइड के बारे में बात करता है, थॉट्स के बारे में बात करता है, या फिर कुछ ऐसी बातें बोलता है कि ऐसी जिंदगी का क्या मकसद है, जिंदगी में कुछ बचा नहीं, या फिर अपने बारे में बोलता है कि यार मेरे में तो कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं कर पाऊंगा, इन सब बातों को बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से और बहुत ही सीरियसली हमें लेना चाहिए। देखिए, अब कई बार हम लोग सोचते हैं कि उसकी लाइफ में तो सब कुछ था फिर क्यों कर लिया, बट देखिए वो जो थॉट्स हैं वो थॉट्स इतने ज़्यादा अपने आप को नीचे दबाने वाले होते हैं कि आदमी को लगता है कि कोई सोल्यूशन है ही नहीं। इंसान को लगता है कि मैं जैसा फील कर रहा हूँ इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है ही नहीं, और शायद सिर्फ एक सुसाइड एक तरीका है। तो उस टाइम पे उस व्यक्ति की मनोदशा को समझने की कोशिश करिए। आपको दूर से लगेगा कि यार इसकी लाइफ में तो सब कुछ है, इसको क्या बात आ रही है, ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, बट वो आदमी वैसा नहीं समझता है। एक दूसरी बात और समझिएगा कि हम सब लोग स्टेटोस्कोपी जीने वाले लोग हैं। स्टेटोस्कोप मतलब, मान लीजिए आप आज एक सक्सेसफुल आदमी अपने आप को समझते हैं और आप महीने के 2 लाख रुपए कमाते हैं, और कल को आपकी सैलरी या बिजनेस या जो भी है 2 लाख से कम होकर सिर्फ 1,75,000 भी पहुंच गया, थोड़ा सा कम हो गया, आपका दिमाग ये आपको नहीं बोलेगा कि यार थोड़ा बड़ा कम हो गया कोई बड़ी बात नहीं है। आपका दिमाग कई बार उसको एज अ फेलियर लिखेगा कि यार मैं इतना था और यहाँ पे आ गया, मतलब मैं फेल कर गया, आई एम अ टोटल फेलियर, मैं कुछ नहीं अचीव कर पाया, मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, इस टाइप के थॉट्स आने लगते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है कि हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन को भी एज अ फेलियर देखना, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही गलत है, और इस थॉट प्रोसेस को आगे ले जाना बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। तो आपके अंदर मन में कभी ऐसा थॉट आ रहा हो या किसी नोन टू के मन में ऐसा थॉट आ रहा हो तो उसको रियलिटी दिखानी बहुत जरूरी है कि ये तो ऊपर नीचे छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस हैं, इसका मतलब फेलियर नहीं है। कई बार मैं देखता हूँ, मैं जैसे कि आप लोगों के लिए तो मैं डॉक्टर हूँ बट मैं एक मेडिकल टीचर भी हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस वाले बच्चे जो एमडी की तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ाता भी हूँ, कई बार वो लोग मुझे आके बोलते हैं कि सर एमडी का एग्जाम पास नहीं हो पा रहा है, मैं तो फेलियर हूँ, लाइफ का कोई मतलब नहीं है, जिंदगी खत्म कर दूँ। अब आप लोगों के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए हो गया, जिस आदमी ने एमबीबीएस कर ली जो डॉक्टर बन गया वो क्या फेलियर की बातें कर रहा है, बट हमारा दिमाग ऐसा ही है, हमारा दिमाग हर स्टेप को फेलियर और सक्सेस के फॉर्म में हमें दिखाता है, जो कि बहुत गलत चीज़ है, और हमें इस बात को समझना पड़ेगा। और कोई सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो उसको समझाना पड़ेगा कि एक स्टेप को हम सक्सेस और फेलियर से नहीं जोड़ सकते। कोई भी एक चीज, कोई भी एक सिंगल एग्जाम, कोई भी एक सिंगल नौकरी, कोई
कोई भी एक सिंगल बिजनेस का लॉस सक्सेस और फेलियर को डिफाइन नहीं कर सकता, ये बात हमें अपने आप को याद दिलानी पड़ेगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमारे को इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं, हमारा मन उदास रह रहा है, लोगों से बात करने का मन नहीं कर रहा है, मन में नेगेटिव ख्याल ही आ रहे हैं, एनर्जी नहीं आ रही है, ठीक से नींद नहीं आ रही है, ठीक से भूख नहीं लग रही है, इन सब चीज़ों को हमें सीरियसली लेना है और किसी प्रोफेशनल से मिलना है। वो साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, लेकिन मिलना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं सोचना है कि दुनिया क्या सोचेगी, घर वाले क्या सोचेंगे। हमारे देश में दिक्कत क्या है कि अगर कोई बच्चा 18 20 25 साल का कोशिश भी करता है डॉक्टर से मिलने के लिए, तो माँ बाप पहले ही मना कर देते हैं कि यार दुनिया क्या सोचेगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी, बाहर वालों को समझ आएगा तो क्या होगा, अरे वो जिंदा बचेगा तब तो शादी होगी उसकी। तो ये जो पुरानी बातें हैं, बेकार की बातें हैं, वो इतनी ज़्यादा भरी पड़ी हैं समाज में कि जो एक हेल्प लेना चाहता है उसको भी हेल्प नहीं मिल पाती है। तो इस थॉट प्रोसेस को तोड़ना पड़ेगा, वरना जो हम लोग देख रहे हैं, जो आज हमने देखा, वैसा ही होता रहेगा। चाहे आप छोटे आदमी हो, चाहे आप बड़े आदमी हो, चाहे आप बीच के आदमी हो, पैसे के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, ये सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चंस देखता हूं। देखिए अब एक और चीज है, इसमें कई लोग बोलते हैं कि मर जाने से क्या होता है। एक एक बात समझनी पड़ेगी कि इंसान सुसाइड करता क्यों है। इंसान जब प्रॉब्लम में होता है, डिप्रेस्ड होता है, तो उसके दिमाग उसको तीन चार ऑप्शंस दिखा रहे होते हैं, और उसमें से एक ऑप्शन ये भी होता है कि इस प्रॉब्लम का निकलने का एक तरीका ये भी है कि ख़त्म कर लिया जाए। तो कोई भी इंसान शौक से सुसाइड नहीं करता है, बट कई बार चीज़ें ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाती हैं जहां पे इंसान को सुसाइड करना ही सबसे ज़्यादा ईजी ऑप्शन दिखने लगता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि वो हार नहीं गया है। हम लोगों को लगता है कि डर गया या हार गया ज़िंदगी से। कई बार हम लोग ऐसी बातें कर भी देते हैं कि तुमने सोचा नहीं कि बाकी दुनिया का क्या होगा, तुम्हारे घर वालों का क्या होगा, ये बातें सब सोचते हैं। हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो अक्सर बोलते हैं कि सर कई बार मन में आता तो है कि आत्महत्या कर ली जाए, लेकिन बच्चे को सोच के रुक जाते हैं, माँ को सोच के रुक जाते हैं। बट एक स्टेज ऐसा भी आता है जब लगता है कि यार जो होगा माँ का और बच्चे का वो ठीक है, बट इससे छुटकारा चाहिए। वो जो इमोशनल पेन है वो वही समझ सकता है जिसको हुआ हो। ये बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, जिन लोगों को मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, उनके जो परिवार वाले हैं, वो इस बात को समझ ही नहीं पाते। जानबूझ के परेशान नहीं करें, बट ये बात समझ आ ही नहीं पाती कि यार ये आदमी क्यों दुखी बैठा हुआ है, ये आदमी क्यों जाके काम नहीं करना शुरू करता, ये आदमी क्यों रोता रहता है, ये आदमी क्यों दवाइयाँ खाया जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको नहीं हुआ है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है, बट जिस इंसान को हुआ है उसको कोई शौक नहीं है सब करने का। किसी को मज़ा नहीं आता बिस्तर पर लेटे रहने का, किसी को मज़ा नहीं आता दुख भरी बातें बोलने का, किसी को मज़ा नहीं आता काम छोड़ने का। लेकिन अगर सिम्टम है तो है। ये किसी व्यक्ति जिसको डिप्रेशन है उसको ये बोलना कि यार दुखी मत रहो, खुश रहो, दुनिया में तो बहुत खुशी है, ये वैसी ही बात है कि आप मुझे बोलें कि अरे चश्मा उठा के फेंक दो, दुनिया में तो बहुत लाइट है, साफ देखने की कोशिश करो दिख जाएगा। सिर्फ आपके बोलने से कि साफ देखने की कोशिश करो दिख जाएगा, मेरा चश्मा नहीं हटने वाला है। और ऐसे ही किसी ऐसे व्यक्ति जिसको डिप्रेशन है, ये बोलने से कि खुश रहा करो, दुखी मत रहा करो, और दुनिया में बहुत खुशियां हैं, ये सब बोलने से उसकी बातों उसके दिमाग से डिप्रेशन खत्म होने नहीं वाला है। मेरी आंखों में दिक्कत हुई तो मैंने चश्मा पहना, किसी को डिप्रेशन की दिक्कत हुई तो उसको साइकेट्रिस्ट से मिलकर दवाई लेनी है, साइकोलॉजिस्ट से मिलकर थेरेपी सेशंस लेने हैं। यही चीजों को ठीक कर सकती है, बेकार की फिलोसफिकल बातें चीजों को ठीक नहीं कर सकती हैं। जय लालवानी पूछ रहे हैं कि क्या कोई अच्छा साइकेट्रिस्ट है जोधपुर में। अच्छा देखिए ये अच्छी बात पूछी आपने। मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि मैं कहाँ बैठता हूँ, मेरे क्लिनिक पे आना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी शहर में हैं, आप हेल्प लेने के लिए अपने शहर के साइकेट्रिस्ट से मिलिए। अब ये सब करने का मेरा मकसद ये कभी भी नहीं रहा है कि मैं आपको अपने क्लिनिक पे बुलाऊं या फिर मैं आपको अपने सेंटर पे बुलाऊं, मुझे वो सब नहीं करने में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं अपने क्लिनिक के बारे में कभी बोलता नहीं हूँ वीडियोज़ में। और मैं आपको ये स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कि आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने शहर के डॉक्टर से मिलिए, चाहे आप किसी भी शहर में हो। और इनफैक्ट पाकिस्तान से भी बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, तो पाकिस्तान के लिए मैं बोलूँगा कि चाहे आप किसी भी शहर में हो, आपके शहर में जो साइकेट्रिस्ट हैं उसने भी MBBS कर रखी है, उसने भी MD कर रखी है, वो भी वेल क्वालिफाइड है, और उससे जाके मिलिए। सिर्फ इस वेट में कि आप दिल्ली के या बॉम्बे के किसी बड़े शहर के डॉक्टर से मिलेंगे, अपना इलाज ना करवाना समझदारी नहीं है। अमू गुजर पूछ रहे हैं कि प्लीज एंग्जाइटी और घबराहट के बारे में बताइए। देखिए एंग्जाइटी एंग्जाइटी दो तरीके से हमारे अंदर आती है।
हम उसको बोलते हैं, कुछ तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं एंग्जाइटी के, चिंता होना, हर बात की चिंता होना, छोटी छोटी बातों की चिंता होना। आप घर पे बैठे हैं, आपके मन में थॉट आ रहा है कि आपके वाइफ बाहर गई हुई हैं, आपके हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, बच्चे बाहर गए हुए हैं, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा। अगर आपको खांसी हुई तो पहला थॉट आया कि कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। अगर हल्का सा अर्थक्वेक आया तो थॉट आया कि यार सब कुछ खत्म तो नहीं होने वाला। एंग्जाइटी में बेसिकली होता ही है कि आपका जो दिमाग है वो जो वर्स्ट पॉसिबल केस सिनेरियो है उसको सच मान लेता है, नॉर्मल चीज को सच नहीं मानता। जैसे मैं भी आपसे एक लैपटॉप पे बात कर रहा हूँ, अगर मेरे दिमाग में एंग्जाइटी है तो मेरे मन में थॉट आ सकता है कि लैपटॉप फट तो नहीं जाएगा, करंट तो नहीं लग जाएगी, पंखा तो नहीं गिर जाएगा। एंग्जाइटी वाला दिमाग हर सिचुएशन के एकदम एक्सट्रीम को लेके जाता है, उसको सच मान के उस पर रिएक्ट करता है। साथ में फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, पैल्पिटेशन होती हैं, दिल तेज से धड़कता है, पसीना आता है, पेट खराब हो सकता है, ट्रेमर्स हो सकते हैं, ये सब एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। अब सवाल है कि करा क्या जाए। अब एंग्जाइटी भी कई तरीके की होती है। हम लोग बोलते हैं ब्रेन में केमिकल्स की डिस्टरबेंस हो गई है। एक सेरोटोनिन करके केमिकल है जो कि मेंटल हेल्थ के काफी सारे एस्पेक्ट्स को हैंडल करता है, उसकी डेफिशिएंसी होगी तो दवाई खानी ही पड़ेगी हमें, उसके बिना हम चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे। और उतना ही इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग का रोल। देखिए ये बात मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को मेडिसिन खाने में एक लेवल पे हेजिटेशन होती है, इसीलिए होती है क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि दवाई खा ली तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी, आदत पड़ जाएगी, पता नहीं क्या साइड इफेक्ट हो जाएंगे, लीवर खराब हो जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली ये सारी बातें इतनी ज्यादा सुनी जा चुकी हैं कि हमारे मन के अंदर बैठी हुई हैं। अब देखिए मेडिसिन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट आमतौर पे क्या होता है कि पेट में एसिडिटी हो गई, पेट में जलन हो गया, 2-3 दिन के लूज स्टूल हो गया, ये सब चीजें मैनेज हो सकती हैं। सिर्फ एक डर की वजह से ट्रीटमेंट में जाना ही ना, ये बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है। और दूसरी भी चीज है, जब मान लीजिए कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड व्यक्ति के मन में क्या होता है, उसको चीजों में हर चीज में बस एक नेगेटिव आउटलुक ही दिखता है, राइट? हर चीज नेगेटिव दिखती है, तो उसके मन में जब ये थॉट आता है ना कि क्या इलाज करवा लिया जाए, तो उस बारे में भी थॉट उसका नेगेटिव ही आता है कि यार इलाज से कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं है, कोई मुझे हेल्प कर ही नहीं सकता। या फिर एंग्जाइटी वाला व्यक्ति जिसको हर चीज में डर लग रहा है, उसके मन, उसको किसी ने बोला कि भाई तुम दवाई ले लो, तो उसके मन में थॉट आएगा यार दवाई से कोई मेजर साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला सबसे वर्स्ट सिनेरियो के बारे में दिमाग जाता है। तो हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो कई बार हमें दवाई लेने से भी रोकता है या फिर थेरेपिस्ट के पास जाने से भी रोकता है। और एक और दिक्कत ये भी है कि देखिए मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम ये भी है कि अफोर्डेबिलिटी के काफ़ी इश्यूज हैं। जैसे मैं भी एक प्राइवेट डॉक्टर हूँ, हमारी फीस भी बहुत ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे बोलें कि क्या सिर्फ प्राइवेट डॉक्टर्स ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग भी पहले कई सालों तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, मैंने खुद 4-5 साल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया है, और ऐसा नहीं है कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आने वाले मरीज को खराब से देखता था और आज प्राइवेट में आने वाले मरीज को अच्छे से देखता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता, इतना बेसिक ईमान हर आदमी के मन में होता है, इतना इतना जमीर हर आदमी के मन में होता है। तो अगर दिक्कत हो रही है तो आप उस डॉक्टर से मिलिए जो कि आप, जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप में क्यों ना हो। और एटलीस्ट साइकेट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, डॉक्टर आपको आमतौर पर ठीक टाइप से देखते ही देखते हैं। तो प्लीज पैसे की वजह से, अफोर्डेबिलिटी की वजह से ट्रीटमेंट ना लेना समझदारी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स आज की तारीख में साइकेट्री डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं। ऑलराइट, दानिश पूछ रहे हैं कि वो एसिटिलोप्राम 2 साल से यूज कर रहे हैं, बट जैसे ही टेपर ऑफ करता हूँ कुछ अर्से बाद फिर से एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है। दानिश देखिए, हाँ दवाइयों को कम करने की जो बात है, इसके ऊपर भी कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि साइकेट्रिक मेडिसिन चल रही हैं, कम कैसे की जाए। कम करने का तरीका वही होता है, बहुत बहुत ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लिया जाता है। और आमतौर पर एक लोग गलती क्या करते हैं, दवाई शुरू की, 1 महीने में सिम्टम्स थोड़े कम हुए, थोड़ा बहुत आराम आती दवाई बंद कर दी, ऐसा मत करिए। एक प्रॉपर कोर्स है अगर 6 से 9 महीने का, तो उसको पूरा करिए और उसके बाद दवाई बंद करने के लिए सोचिए, उसके पहले दवाई बंद नहीं करनी है आपने। और वो भी स्टेप बाय स्टेप होता है, अगर आप 10 mg खा रहे हैं तो 7.5 पे जाइए, 5 पे जाइए, साथ में काउंसलिंग के सेशंस लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करने से भी बहुत अच्छे वाले केमिकल्स रिलीज होते हैं, इसको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, और वो हेल्प कर पाते हैं दवाई कम करने के लिए। आयशा हेलो, आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रही हैं, प्लीज़ ऐसे लोगों की हेल्प करते रहिए।
ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैक्सिमम मैं जो देख पा रहा हूँ वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस ही हो रहे हैं। तो देखिए आज अब हर एक क्वेश्चन का जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, माफी चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात वही बोलूंगा फाइनली जाते जाते कि देखिए मेंटल हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, काफ़ी ज़्यादा सिम्टम रिलीफ होता है, मैक्सिमम लोगों में ख़त्म हो सकते हैं, दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं, लेकिन लोग अभी भी हेल्प लेने से कतराते हैं, शर्माते हैं, डरते हैं। प्लीज़ ये चीज़ें मत करिए, इन चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास करिए। लाइफ के बहुत सारे साल निकल जाते हैं और हमें लगता है कि यार हम कुछ कर ही नहीं पाए। इसका इसका ट्रीटमेंट लीजिए, चीज़ों को ख़त्म करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। मैं कोशिश करूँगा कि आगे वीकली या 10 दिन में एक बार आके आप लोगों से बात कर पाऊँ, और इतने सारे क्वेश्चन आते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात की जाए। तो इसको ख़त्म करते हैं, और आई होप आप अपना ध्यान रखेंगे। प्लीज़ टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।